नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया सबा। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप घर पर खुद से एलोवेरा सोप कैसे बना सकते हैं ताकि आप अपनी स्किन को ना सिर्फ क्लीन कर सकें बल्कि इसको नरिश करने के लिए फूड भी प्रोवाइड कर सकें। एलोवेरा सोप बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक ग्लिसरीन सोप, जो कि आप किसी भी कंपनी या ब्रांड का ले सकते हैं, और इसके अलावा एलोवेरा जेल 1 कप। आप मार्केट बॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर एलोवेरा जेल फ्रेश हो तो नथिंग लाइक इट। एलोवेरा सोप बनाने के लिए सबसे पहले आप साबुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें या फिर इसे कद्दूकश कर लें। ग्लिसरीन सोप चूंकि काफ़ी सॉफ्ट होता है तो इसकी कटिंग बहुत आसानी से हो सकती है। इसके बाद आप इस सोप को किसी भी बोल में डालें और डबल बॉयलर मेथड के साथ इसको मेल्ट करें। डबल बॉइलिंग मेथड के लिए आपको एक बोल चाहिए जिसमें आप सोप को डालेंगे, और इसके अलावा एक पैन जिसमें आप पानी डालें और चूल्हे पर रखें और तेज़ गर्म करें। जब पानी तेज़ गर्म हो जाए तो सोप वाला बोल आप पानी में रख दें, बट मेक श्योर कि पानी सोप के अंदर ना जाए। कुछ ही देर में सोप मेल्ट हो जाएगा और इसके बाद आप सोप को चूल्हे से उतार लें और थोड़ा सा इसका टेम्परेचर नॉर्मल होने दें, और फिर इसमें एलोवेरा जेल को शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। सबसे आखिर में आप कोई भी मोल्ड या सांचा लें और इसके अंदर इस साबुन के मिक्सर को शामिल कर दें और इसे रूम टेम्परेचर पर या फिर रेफ्रिजरेटर में रखकर ठंडा कर लें। एलोवेरा सोप इस्तेमाल के लिए बिल्कुल रेडी है। इस सोप से ना सिर्फ आपकी स्किन क्लीन होगी, मॉइस्चराइज होगी, सॉफ्ट होगी, बल्कि इसके साथ ये स्किन को नरिश भी करेगा और स्किन टेक्स्चर को इम्प्रूव भी करेगा। एलोवेरा सोप हर स्किन टाइप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो थी आज की रेमेडी। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगेबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।